टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एमआई के A1 के बारे में, जो कि Xiaomi का डिवाइस है, जो कि कल लॉन्च हुआ था। काफी अच्छा फोन है, तो मैं इसका इस वीडियो में ओपिनियन देना चाहता हूं। दोस्तों, इसके हम फीचर्स और प्राइस की बात करें तो काफी अच्छा फोन है और इस रेंज में आपको शायद ही कोई अच्छा फोन देखने को मिल जाए। और हालांकि 4-5 दिन पहले जो है मोटोरोला का मोटो G5 S Plus लॉन्च हुआ था, वो भी अच्छा फ़ोन था, लेकिन इस प्राइस और फीचर्स के हिसाब से इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे एमआई के A1 के बारे में। तो इसके हम बात करते हैं और इसमें बताते चलें हम आपको कि Xiaomi का एमआई A1 के बारे में आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा और इसमें 12+12 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा होगा, जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो कि ब्यूटिफिकेशन मूड में है। और आपकी स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 64 GB का इनबिल्ट इंटरनल स्टोरेज मिलेगा फ़ोन के साथ, और आपको जो है 4 GB की रैम मिलेगी और आप 128 GB तक मेमोरी कार्ड इसको लगा सकते हैं, और एक ये हाइब्रिड सिम स्लॉट होगा। और प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 625 मिलेगा, जो कि क्वालकॉम का है प्रोसेसर 625, और 625 जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से। इसमें गेमिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। और इसकी बैटरी के हिसाब से बात करें तो बैटरी इसमें आपको थोड़ी कम दी गई है, जो कि Xiaomi का यह पहला डिवाइस है जिसमें आपको ये कम बैटरी दी गई है। वैसे तो आमतौर पर आपको 4000 mAh की बैटरी तो आराम से मिल जाती है इस कंपनी में, लेकिन इस फोन में आपको 3080 mAh की बैटरी इस फोन में दी गई है, जो कि हाँ एक दिन आराम से आपके जो है आप यूज़ कर पाएंगे, जो कि काफ़ी जो है ठीक बात है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है फ़ोन और कोई लैग वैग नहीं है। रैम भी काफ़ी अच्छी है इसमें, 4 GB की आपको रैम दी गई है, जो कि आपको अच्छी बात है। और इसमें अगर हम सेंसर्स की बात करेंगे तो सेंसर की बात करें तो इसमें आपको सारे सेंसर्स मिल जाते हैं। कंपनी Xiaomi की जो कंपनी है वो काफ़ी सारे सेंसर इस फोन में दे दिए हैं, प्रॉक्सिमिटी और जायरोस्कोप और कंपास, आपको काफ़ी सारे इसमें सेंसर्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलता ही है, रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। और ये दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन मुझे लगता है, और ये बिल्कुल OnePlus और iPhone 7 Plus की तरह सेम बिल्कुल मुझे लगता है ये Xiaomi का जो MI A1 है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया, इतने रेट में, इतने बढ़िया फीचर्स में ये लॉन्च हो जाएगा। मेरी भी इच्छा हो रही है कि इस फ़ोन को मैं ख़रीद लूँ, लेकिन इस समय नहीं खरीद सकता क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। और काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये फ़ोन के बारे में, और मेरा ओपिनियन यही है कि इसको प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और आपको ये फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। और खबर ये भी आ रही है कि आप इसको ऑफलाइन मार्केट में भी ले सकते हैं, कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि हम इस फ़ोन को ऑफलाइन मार्केट में भी उतारेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं वो लोग ऑफलाइन मार्केट में जाकर आप आसानी से ले सकते हैं, और ये फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव आपको मिल जाएगा, एक हफ्ते के बाद आप इसको बाई कर पाएंगे और ये फ्लैश सेल में बिकेगा। तो फोन्स फ्री ऑर्डर पर काफ़ी जो है फ़ोन्स ये मिलेगा, जो कि प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। 15,000 का प्राइस रखा गया है, 14,999 रुपये का प्राइस है, और इसमें फीचर काफ़ी ज़बरदस्त हैं और शानदार फीचर्स जो हैं, और बहुत ही गजब का फ़ोन है। इसकी तारीफ हम बहुत कर रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन इतना अच्छा है ही, और कैमरे के हिसाब से बहुत ही बेटर है फ़ोन। तो उम्मीद करते हैं ये मेरा ओपिनियन जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर इस वीडियो को जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के पड़ोस में जो बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का। तो इसी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।